गाइज अगर आपका भी फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है और आप उसे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो गाइज आज मैं आप सभी को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, 100% वर्किंग तरीका बताऊंगा एंड साथ में लाइव आपको जो है रिकवर करके दिखाऊंगा कैसे हैक अकाउंट को रिकवर करते हैं। एंड अगर आप भी इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो भाई आप भी हैक फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर पाएंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाके लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे क्लिक करके आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फटाफट से फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है फेसबुक के अंदर तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे फर्स्ट में आपको जो करना क्या होगा, अपने हैक्ड फेसबुक अकाउंट को रिकवर करने के लिए सबसे फर्स्ट में आपको अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ जाना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना क्रोम ब्राउजर या फिर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना होगा, ठीक है। एंड ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ से आपके सामने सर्च बार का आइकन देखने को मिल जाएगा, सर्च बार में क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आपको लिखना होगा फेसबुक लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे फेसबुक लॉगिन लिख देते हैं। फेसबुक लॉगिन लिखने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर देना होगा, ठीक है। एंड जिससे आप फेसबुक लॉगिन लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ से आपके सामने लॉगिन इनटू फेसबुक, लॉगिन इनटू फेसबुक, फेसबुक लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में क्लिक करना होगा, देन उसके बाद यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो भी अकाउंट लॉगिन रहेगा ये दिख जाएगा, उसके बाद लॉगिन इनटू अनदर अकाउंट करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे आपको जो फाइंड योर अकाउंट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। एंड जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे आपको जो ईमेल और फोन नंबर डाल के अपना अकाउंट को सर्च करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप जो है अपने अकाउंट को सर्च कर लीजिए और वहाँ पे आप फुल नेम डालकर भी अपने अकाउंट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एंड अकाउंट को सर्च करने के बाद आपको जो अपने अकाउंट पर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो वहाँ पे आपको जो ट्राई अनदर वे पर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद यहाँ से आपके सामने सेंड कोड वीआ व्हाट्सएप, सेंड कोड वीआ फेसबुक नोटिफिकेशन, सेंड कोड एसएमएस का ऑप्शन आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दिस का, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपको जो नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दिस पर क्लिक करना होगा एंड जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा एंड जिससे आप स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से गेट बैक ऑन फेसबुक का ऑप्शन आ जाएगा एंड यहाँ पे न्यू ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब भाई यहाँ पे आपको जो करना क्या होगा, यहाँ पे आपको जो एक न्यू ईमेल एड्रेस डालना होगा, ठीक है। अगर आपके पास न्यू ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपको जो एक न्यू ईमेल एड्रेस क्रिएट कर लेना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ से गेट कोड पर क्लिक करना होगा एंड गेट कोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इंटर कोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो भाई आपको जो अपना ईमेल ओपन करना है, जो भी ईमेल आपने यहाँ पे डाला है एंड वहाँ पे आपको कोड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको कोड देखने को मिल जाएगा, वो कोड यहाँ पे आपको जो कॉपी करके पेस्ट कर देना होगा या फिर लिख देना होगा, ठीक है। एंड इसके बाद नीचे आपके सामने एक कन्फर्म का बटन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो कन्फर्म पर क्लिक कर देना होगा एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपलोड आईडी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपको जो अपलोड आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सामने कुछ लोडिंग लगा, उसके बाद यहाँ से आई कैन लॉग इन वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अकाउंट को रिकवर करने के लिए यहाँ पे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा, ठीक है। फिलअप किस तरीके से करना है, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट में फुल नेम का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो अपने हैक अकाउंट का फुल नेम डाल देना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो नीचे अपलोड योर आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा, चूज फाइल पर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। एंड इसके बाद नीचे आपके सामने सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो सिंपली सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड जिससे आप सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ये फॉर्म जो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। बट गाइस यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे आपका जो नेम है आपके डॉक्यूमेंट में, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपके डॉक्यूमेंट में, वो आपके फेसबुक अकाउंट से मैच होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका हैक अकाउंट है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, उसमें जो आपका नेम है वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए, ठीक है। एंड जब आपका डॉक्यूमेंट से मैच होगा, आपके आधार कार्ड से आपका फेसबुक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन मैच होगा, तो भाई आपका जो हैक अकाउंट है वो 24 से 48 घंटे के अंदर आपको जो है मिल जाएगा, आपके ईमेल एड्रेस भी आपको जो एक्सेस लिंक मिल जाएगा एंड वहाँ पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट फिर से ओपन कर सकते हैं, फिर से आप जो है रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। तो भाई यही था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको हेल्पफुल एंड जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। एंड गाइस अगर आपने अभी तक
तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा फटाफट से। उसके बाद आपके इंस्टाग्राम या फिर आपके फेसबुक अकाउंट में जो प्रॉब्लम आएगा आप मुझे DM करके आप जो अपना प्रॉब्लम को पर्सनली हेल्प से आप जो सॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, तो भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।